नमस्कार विद्यार्थियों, उम्मीद है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। विगत कुछ दिनों से जब से गोरखपुर विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों ने परीक्षा कराने का निर्णय लिया है, तब से तमाम तरह की समस्याओं के साथ छात्र छात्राओं के फोन आ रहे हैं और उनके अंदर तमाम आशंकाएं हैं कि क्या वह एग्जाम कंडक्ट कराने पर उस एग्जाम में सकुशल प्रतिभाग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप इन सभी आशंका, कुछ लोगों ने जो फोन किया उन लोगों की जो दलील थी, जो उन लोगों ने कारण बताया, वो कारण बहुत ही सही भी बताया कि उनके गांव में कोई कोरोना पेशेंट हो गया है तो कहीं किसी चौराहे पर हो गया जहां से उन्हें ऑटो मिलता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की भी समस्याएं चल रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में चलना उतना सुरक्षित नहीं है। यहाँ से जो विद्यार्थी क्वार्टर लेकर के रहते थे, रूम लेकर के रहते थे, उन विद्यार्थियों ने अपना क्वार्टर रूम छोड़ दिया है। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए आपकी कुछ बातें तो बहुत ही जायज़ हैं, लेकिन यह भी बात सत्य है कि अगर आपके स्वर्णिम भविष्य को ध्यान में रखा जाए तो एग्ज़ाम कराना भी एक आवश्यक कारण है, या यूँ कहें कि एग्ज़ाम कराना भी एक आवश्यकता है आवश्यक रूप से। अब जहाँ तक रही बात प्रमोट करने की, तो प्रश्न यह उठता है कि आप स्वतः सोचें और मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में बताएं कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपको कैसे अगली कक्षा में आगे प्रोन्नत किया जाए, तो आप क्या उसको बताएंगे कि इसी आधार पर अगर आप चाहे तो हमें प्रोन्नत कर सकते हैं। मतलब कोई ना कोई एक लीगल कारण होना चाहिए जिससे किसी भी विद्यार्थी का नुकसान ना हो, और उस लीगल कारण को ध्यान और लीगल फैक्ट्स को लेकर के अगर हम प्रोन्नत के बारे में, प्रमोट करने के बारे में सोचे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि देखिए, आपको आगे भविष्य में इस तरह इस प्रमोट करने से या इस प्रोन्नत से कोई नुकसान ना हो, आपका भविष्य स्वर्णिम रहे, सुरक्षित रहे, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो मेरा प्रश्न यह है कि आखिर, पहला प्रश्न मेरा जो है वो यही है कि आखिर किस आधार पर अगर प्रमोट किया जाए तो प्रमोट किया जाए ताकि किसी भी विद्यार्थी का नुकसान ना हो, पहला चीज। दूसरा कि अगर परीक्षा कराने के लिए आगे बढ़ता है प्रशासन, तो आप उसे सजेस्ट करें, उसे सुझाव दें कि वो किस तरह से परीक्षा सजेस्ट कंडक्ट करावे जिससे कि आपका कोई भी नुकसान ना हो और आप सकुशल परीक्षा में सम्मिलित हो सके। कोई अल्टरनेट उपाय भी हो तो वो भी बताएं ताकि हमारे पास एक सुझाव रहे और कभी आवश्यकता पड़ने पर हम लोग आपके द्वारा दिए गए सुझाव को भी सामने रख सके। दूसरी बात, जहां तक प्रशासन की बात आप करते हैं, तो प्रशासन आपको लेकर के और आपकी परीक्षा को लेकर के बड़ा ही चिंतित है और बहुत ही सीरियस है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 26 जून 2019 को एक कमेटी गठित की है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षा संपन्न कराने के संदर्भ में, जिस कमेटी की अध्यक्षता प्रोफेसर एन के तनेजा कुलपत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ कर रहे हैं। सदस्य के रूप में प्रोफेसर अशोक पित्तल कुलपत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता कुलपत छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर, प्रोफेसर मनोज दीक्षित कुलपत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या कर रहे हैं। अब शासन अपनी तरफ से आपको लेकर के काफ़ी चिंतित है, उसका यह सीधा सा आपको दिख भी रहा है। आपके आपके जो छात्र प्रतिनिधि हैं, जो आपके स्टूडेंट लीडर्स हैं, उन्होंने भी अपनी आपकी बातों को और आपकी समस्याओं को विश्वविद्यालय के सामने रखा है। विश्वविद्यालय भी बहुत सीरियस है क्योंकि विश्वविद्यालय के कर्मचारी, महाविद्यालय के कर्मचारी, शिक्षक, सभी लोग इस परीक्षा व्यवस्था में सम्मिलित होंगे। तो अगर कोई भी एक व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि कोई बचा हुआ है, लेकिन मेरा निवेदन है विद्यार्थियों कि आप परीक्षा को देने के से कभी भी पीछे ना हटे। सदैव जीवन में परीक्षा को देने, परीक्षा की घड़ी को फेस करने के लिए तैयार रहें, प्रेशर को लेने के लिए तैयार रहें और प्रेशर में बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारी करें। परीक्षा हो ना हो ये सब अलग की बात है, लेकिन आपका जो मूल उद्देश्य है उस पर आप बने रहें।
आप यह विचार करें कि आखिर इस कोरोना की घड़ी में कैसे आप अपने भविष्य को आगे सुरक्षित रख पाएंगे, आप अपने तरफ से क्या उपाय करते हैं और क्या योजना बनाते हैं इस कोरोना काल में अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए। इन सभी विचारों को अपने मन में डेवलप करें और अपना सेल्फ इंट्यूशन डेवलप करें, किसी के अननेसेसरी बहकावे में ना जाए कि परीक्षा नहीं होगी, सब लोग पास हो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जब तक परीक्षा होगी नहीं तब तक आपको अपनी सही गलत का अंदाजा नहीं चलेगा और अपने जीवन में आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जहां तक मेरा मानना है कि परीक्षा का होना भी अनिवार्य है, लेकिन इस कोरोना काल में परीक्षा कैसे कराई जाए यह भी सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा काम है। तो परीक्षा हो यह तो ठीक है, लेकिन परीक्षा इस तरह से हो जिसमें हमारे सभी विद्यार्थी मन से सम्मिलित हों, सुरक्षित रहें और अपने आपका बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो मेरा जो प्रश्न है वो मैं फिर रिपीट कर दूं आपको, पहला प्रश्न कि अगर आपको प्रोन्नत किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, तो उसका क्या 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 उसके फैक्ट्स रखे जाए जिस पर सभी विद्यार्थियों का लाभ हो और कोई भी विद्यार्थी नुकसान ना हो, किसी भी विद्यार्थी का नुकसान ना हो। दूसरा, अगर परीक्षा कराई जाए तो उसकी किस तरह से योजना बनाई जाए। और तीसरा, इस कोरोना काल में आप अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे अपने भविष्य की परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में आपकी क्या रणनीति है। तो इन तीन मुद्दों पर मैं आपसे आपका सुझाव, आपका विचार जानने के लिए इच्छुक हूँ। धन्यवाद विद्यार्थियों।